हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आलू के सैंडविच। हम आलू के ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बॉईल किए हुए आलू को एक बड़े बोल में ऐड करेंगे और इसे पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। हम लगभग 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू को पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट किया है, प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है। बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां, दरदरा पीसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकती हैं। और हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। इसी के साथ ही इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून। इसके बाद अब इसमें लगभग 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे सैंडविच और भी टेस्टी लगती है। हाथों के हेल्प से या स्पैचुला से बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बॉयल पोटैटो में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये सैंडविच बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसमें ऐसे आलू स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो ब्रेड स्लाइसेस पे टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी भी लगा के आलू को लगा सकते हैं। ये देखिए, आप आलू अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको बिल्कुल बढ़िया से किनारों के साइड भी ऐसे स्पून के हेल्प से फैला लें। अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हम ऊपर एक ब्रेड स्लाइस ऐसे रख के हल्का सा प्रेस करेंगे और किनारे जो आलू है उसको हटा देंगे और एक ब्रश की हेल्प से इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, ऑयल ऐसे स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो बटर या देसी घी भी ले सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे ब्रश की हेल्प से, या फिर आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे ब्रेड स्लाइस को भी आलू भर देंगे। आलू भरने के बाद उसमें भी जैसे हमने ऐसे ऑयल स्प्रेड किया है वैसे ही ऐसे स्प्रेड कर देंगे। पहले हम 2 बना लेंगे, बाकी 2 हम बाद में बनाएंगे। ऑयल जितना अच्छे से लगा होगा सैंडविच उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। अब हम आगे की प्रोसेस को देखते हैं। ग्रिलर को 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर देंगे, उसके बाद ग्रिलर ओपन करेंगे। हल्का गर्म करके इसमें सैंडविच बनाने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और ब्रश की हेल्प से ग्रिलर प्लेट में भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। आप ऑयल के प्लेस पे बटर या देसी घी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ऑयल लगाने के बाद अब हम ऐसे ब्रेड को रखेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने मीडियम साइज का ब्रेड लिया है। हम 2 सैंडविच एक साथ बना सकते हैं। सैंडविच रखने के बाद ऊपर आप चाहें तो हल्का सा ऑयल प्रेस कर सकती हैं, जिससे ये और भी क्रिस्पी बने। ये देखिए, हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल ही लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे। अब ग्रिलर को बंद कर देंगे और ग्रीन लाइट जलने तक इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे और फिर बटन ऑन कर देंगे। बटन ऑन करने के बाद जब इसमें ग्रीन लाइट जलने लगे उतना ही हमें इसको रोस्ट करना है। ये देखिए, ग्रीन लाइट जलने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी और हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर आप इसे और ब्राउन करना चाहते हैं तब आप और ज़्यादा भी कुक कर सकती हैं। अब एक स्पैचुला के हेल्प से हम चेक करेंगे, अगर दोनों साइड सेम कलर का है तब इसे हम ग्रिलर पैन से निकाल लेंगे, नहीं तो इसको और भी ज़्यादा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, अब इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। प्लेट में रखने के बाद हल्का ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार है। हमने और भी टाइप्स के सैंडविच चैनल पर शेयर की हुई हैं, आप उन्हें भी ट्राई करें। अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं सैंडविच कितनी परफेक्ट और कितनी बढ़िया दिख रही है। आप इसे किसी भी चटनी या सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी और सॉसेस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और हमने और भी टाइप्स के स्नैक्स की रेसिपी चैनल पर शेयर की हुई हैं, आप उन्हें भी ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।